नमस्कार, मैं ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज हम मिलते हैं हिंदी के शीर्षस्थ यशस्वी कवि श्री नरेश मेहता से। नरेश मेहता ने आधुनिक कविता को नई व्यंजना के साथ नया आयाम दिया। आप दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। नरेश मेहता का जन्म 15 फरवरी 1922 को साजापुर मध्य प्रदेश में हुआ था और सन 2000 में आपका निधन हो गया। नरेश मेहता की कविताएं रागात्मकता से भरी हुई हैं। संवेदना की उदात्तता उसका मूल तत्व है, जो उन्हें प्रकृति और समूची सृष्टि के प्रति पर्युत्सुक बनाते हैं। आपकी रचनाओं में जो प्रसिद्ध कुछ रचनाएं हैं, अरण्या, उत्तर कथा, चैत्या, दो, एकांत, प्रवाद पर्व, बोलने दो चीड़ को आदि। आपने अपनी शिक्षा दीक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पूरी की थी। तत्पश्चात ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य किया था। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ से भी सम्मानित किया गया है। आइए हम सुनते हैं उनकी एक कविता जिसका शीर्षक है माँ। मैं नहीं जानता क्योंकि नहीं देखा है कभी, पर जो भी जहां भी लिपता होता है गोबर के घर आंगन, जो भी जहां भी प्रतिदिन द्वारे बनाता होता है आटे कुमकुम से अल्पना, जो भी जहां भी लोहे की कड़ाही में छौंकता होता है मेथी की भाजी, जो भी जहां भी चिंता भरी आंखें लिए निहारता होता है दूर तक का पथ, वही, हाँ वही है माँ, हाँ वही है माँ। धन्यवाद।